भगवा स्वयंसेवक संघ। हमारा मिशन हिंदू रक्षण, गौ संरक्षण। हमारी वेबसाइट है www.bhagwaswayamsevaksangh.com। ऑनलाइन फॉर्म भरकर सदस्यता ले सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू हृदय सम्राट श्री सुरेश नोरवा। कि आज के इस जागरण का आयोजन क्यों किया गया? सिवाना से लेकर मेड़ी तक दोपहर भरी दोपहरी में 3 बजे सैकड़ों युवा रैली के रूप में मेड़ी गांव क्यों पहुंचे? चेतन गिरी जी महाराज जैसे संतों को अपने मठ को छोड़कर आपके गांव में क्यों आना पड़ा? और श्रीमान सुरेश जी नारवा और इनकी पूरी टीम के जितने भी सदस्य हैं, उनके उनको अपने काम का छोड़कर, अपना व्यापार छोड़कर, अपनी एजुकेशन, अपनी शिक्षा छोड़कर गांव गांव में क्यों निकलना पड़ा? और पूरे सिवाना, मेड़ी, जेठंत्री और आसपास के जितने भी गांवों के युवा यहां बैठे हैं, इन्होंने भी अपना घर छोड़कर आप सबके बीच में आने की कृपा क्यों की? इसके पीछे कोई तो कारण है। बूढ़िया ठे बैठा है, पुराने टाइम में भारत राज्य को लोक संस्कृति है, आकीने लारे हालती कृषि और गौ सेवा, खेती और गौ सेवा रे कारण सु राजस्थान नी पूरे हिंदुस्तान जेको गांवों में बसे वारे गांवरी लोक संस्कृति गौ माता रे वास्ते चालती के वे वेदारी वाणी गौ माता गीता जीरो ज्ञान और गौमूत्री छाट लिया पूर्ण गंगा स्नान। अरे गाय देसरी लाज है मानवतारो मान और गाय रे कारण ही पूरे जगत में चमक्यो हिंदुस्तान। इन हिंदुस्तान री यश और कीर्ति की नहीं ला रहे है तो केवल और केवल गौ माता रे ला रहे है। लेकिन लाला 20-25 वर्षों का ही हो पुराने टाइम में मारवाड़ में की नहीं हो तो 10-10 कोस माथे माथे पानी लावता, 4-4 साल लगातार काल पड़ता, लोग आपरी गायों ने लेर माड़वे जावता। लेकिन कदी गाय ने भूखी नहीं मरण दी, कदी गाय ने कठन वास्ते घरों बारे नहीं जावण दी। आज 3 लोग बड़ा दुखी है। एक तो गौ माता दुखी है कि वह दर दर दी ठोकरा खा रही है, कठन वास्ते जा रही है, और साथ साथ भूमि दुखी है क्योंकि पाप छाई गो। माता बहन और रक्षा नहीं रही, धर्म री रक्षा नहीं रही, साधु संतों रो सम्मान नहीं रियो, इन वास्ते भारत माता दुखी है। और तीजी हमारा बुजुर्ग जितना भी साफे आला बैठा है ए भी बड़ा दुखी है क्योंकि ए एडो विश्वास नहीं करियो तो आउ नालो जमानो एडो आवेला। तो लाखों गायों की करुण वेदनाओं से इस गौ माता पर पाप के छा जाने से इस हिंदुस्तान के युवाओं ने एक ऐसा संकल्प उठाया है, उन गौ माता की वेदनाओं में से इस भगवा स्वयंसेवक संघ का जन्म हुआ। कहते हैं कि न जवानी रहेगी, न जीवन रहेगा, न जवानी रहेगी और बाकी कुछ भी न निशानी रहेगी। एक दिन हम भी नहीं रहेंगे इस दुनिया में और केवल धर्म की ही निशानी रहेगी। यदि धर्म नहीं बचा तो हम भी नहीं रह पाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन आप सबके बीच में कि उन गौ माता की करुण वेदनाओं से, उस भूमि की वेदनाओं से, लाखों नारियों की करुण पीड़ा से और रोती चिलकती मां भारती की उस पीड़ा से भगवा स्वयंसेवक संघ का जन्म हुआ। और भाई सुरेश जी नारवा के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में गौ माता की आवाज बनकर, भारत माता की आवाज बनकर और हिंदू रक्षण की आवाज बनकर पूरे भारत की आबो हवा को आज गुंजायमान कर रहा है भगवा स्वयंसेवक संघ। मैं चाहूंगा मेड़ी गांव के लोग एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं क्योंकि ये जिस वेग से चले हैं पिछले 3-4 वर्षों में भगवा स्वयंसेवक ने पूरे भारत पर अपना एक वर्चस्व स्थापित किया गौ संरक्षण और हिंदू रक्षण में। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि हम चले तो आंधिया तूफान चल पड़ेंगे और सागरों की क्या बात, हिम सागर ढह पड़ेंगे। और यह मत समझो कि निशाएं पंथ हमारा रोक लेगी, यह मत समझो कि निशाएं पंथ हमारा रोक लेगी। हम जले तो दीप क्या सूरज हजारों जल पड़ेंगे, हम जले तो दीप क्या सूरज हजारों जल पड़े थे। एक सुरेश नौरवा नामक दीपक जला था और आज उसने हजारों सूरज को यहां पर प्रकाशित कर दिया है। यह पूरा भगवा स्वयंसेवक संघ इस बात की गवाह देता है, इस बात की इबादत देता है कि बूढ़िया जको धर्म ने राखियो,
बुढ़िया भली भूखा रह जाता लेकिन गाय ने कभी घर से बाहर नहीं निकाली, गाय री ठौण में चारों नहीं निटियो और गाय री कुंडी में कभी पानी नहीं निटियो, चाहे माथे माथे लावणो पड़े। जको आपारा बुढ़िया इतो कष्ट देख और धर्म ने राखियो तो आज तो भगवान की बड़ी कृपा है पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान माते पांचों आंगलियां घी में है और अबे आप धर्म री रक्षा नहीं कर सका तो पांचों मौको आपने नहीं मिलने वालो है। इन वास्ते आज भगवान स्वयं संग्रह उजाले में निवेदन करूं कि एक हृदय ऐसा होगा जिसके धीरज हम होंगे, एक हृदय ऐसा होगा जिसके धीरज हम होंगे और एक सवेरा ऐसा होगा जिसके नीरज हम होंगे और माना अंधियारी रातों के टिमटिम करते तारे हैं लेकिन एक सवेरा ऐसा होंगे जिसके सूरज हम होंगे। आने वाले हिंदुस्तान में जो क्रांति होगी उस सूरज का प्रकाश किसी के हाथों में होगा तो भगवान स्वयं सेवक संघ के हाथों में होगा। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें।